अचानक से लाइन चला गया था सर। अच्छा हाँ, क्या हुआ? आईएमआई बची की उड़ गई उसकी, तुम्हारे वाले की? बच गया सर, ये है सर, है तो है, तो बहुत अच्छी बात है सर। ये आपको कैसे पता सर, ये ब्लू डिस्प्ले सर, हम तो हैंगिंग लोगों बोले थे सर, ब्लू टाइप का डिस्प्ले आ रहा था सर। तुम्हें शायद याद नहीं, तुम बोल चुके थे कि ऑन होने के बाद नीला पड़ जा रहा है। ओ, हो सकता है, तो याद नहीं है, आपने अभी अभी एक बार बोला था। हाँ तो आइए सैमसंग पे, सैमसंग पे चलते हैं, एसपीडी पे आ जाओ, एसपीडी पे आने के बाद रीड पे क्लिक, स्टार्ट पे, स्टार्ट पे क्लिक करो। ना बाबू, लिख लो तो ना, ना स्टार्ट पे क्लिक करो, एंटर दबा, एंटर दबा करके कनेक्ट करो। एंटर बटन दबा तो सर, हाँ वही बीच वाला बटन। हाँ सर, बूट की। डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दो, सेव कर दो। ऐसे ही सर, सेव बस। हाँ सेव कर दो, ये फाइल आपकी सेव हो गई। अब अपना गूगल खोलो और इसके लिए फाइल ढूंढी जाए, B110 मॉडल है ना? यस सर। अब इसकी फाइल ढूंढी जाए, गूगल खोलिए, लिखिए B110, B110 ई, इसके आगे लिखिए सिम लॉक, आगे मिराकल लिख दीजिए। मिराकल नीचे उतर के आप देखो, जीएसएम डेवलपर का लिंक पड़ा है क्या? जीएसएम होस्टिंग है सर, राइट क्लिक मार के होस्टिंग को ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लो। अब जीएसएम डेवलपर वाले पे आओ, देखो जीएसएम डेवलपर वाले ने बताया सिम लॉक कोड रीड डन, पहला ही वाला लिंक है, इसने सिम लॉक का कोड रीड किया है। जरा इसका भी तरीका देख ले, किससे रीड किया है इसने, ये इसकी फोटो जरा चेक करो, फोटो पे क्लिक करो, हाँ इसी पे लॉगिन कर लो। बनाई है नहीं बनाई है? बनाई सर, याद नहीं है। चलो मेरी डाल दो, आंसू 1 2 3 4 5 6 ASHU आशु, नहीं ये नहीं डालनी है, दूसरी वाली डालो मेरी आईडी आशु 1 3 1 3 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 अब नीचे पासवर्ड आशुतोष ASHUTOSH TOSH हाँ। ये लॉगिन हो गई। अब ये देखो इसने काटना वरना सर। हाँ यस सर। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए लॉक कोड क्रिएट डन दिखा रहा है, लेकिन इसमें से सिम लॉक कौन सा है? हमको तो सिम लॉक की जानकारी चाहिए, लेकिन अनलॉक कोड खाली दिखा रहा है, प्राइवेसी कोड दिखा रहा है, सिम लॉक तो कहीं दिखा नहीं रहा है। बंद करिए इसको, बंद कर दीजिए सर। लॉगिन करना होगा ना सर? नहीं, ये पेज बंद कर दीजिए।
अब नीचे आइए, नीचे आइए, देखिए और कुछ दिखा रहा है? अब इस पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, सिम लॉक डन विद मिराकल बॉक्स। ठीक है, नीचे उतर के आओ। नीचे इन्होंने देखिए फाइल रीड करके फाइल को अनलॉक किया है। फाइल हम लोग रीड कर चुके हैं, अब फाइल अनलॉक करने पे भी सिम लॉक कोड तो कहीं दिखा नहीं रहा है, आपको खाली प्राइवेसी कोड दिखा रहा है, स्क्रीन लॉक दिखा रहा है। तो यानी कि ये जितने भी कोड्स दिखा रहा है इनमें से कोई एक कोड जो है ये आपके मोबाइल को अनलॉक करेगा। इसको मिनिमाइज कीजिए, ब्राउजर को मिनिमाइज कीजिए, फाइल अनलॉक पे क्लिक कीजिए, रीड के नीचे वाले बटन पे स्टार्ट पे क्लिक करिए, डेस्कटॉप पे जो फाइल सेव करी उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे उतर के आइए। जो फाइल अभी हम लोगों ने सेव की है डेस्कटॉप पे उसको सिलेक्ट कर लीजिए यहां पे। ये रही 6530, इसको सिलेक्ट करिए, ओपन कर दीजिए। अब ये इतने सारे कोड्स दिखा रहा है। आप अपने फोन को, आप अपने फोन में कोई सिम लगाइए, बारी बारी ये जितने कोड दिखा रहे हैं ये सारे कोड एक एक करके डाल के देखिए। पहले 4x1, फिर 4761, फिर 1253, ये जितने कोड्स दिखा रहा है आपकी फाइल में लगे हुए, इन सारे कोडों को एक एक बार मोबाइल में डाल के देखिए, देखिए क्या इनमें से किसी से खुल रहा है। अगर इनमें से वो कोड खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर फ्लैश फाइल डाउनलोड करके इसे हम लोग फ्लैश करेंगे। ओके सर। भाई मैक्सिमम सीक्रेट कोड है सर ये? हाँ, इनके मोबाइल में, इनके मोबाइल में सिम लॉक लगा हुआ है। अब सिम लॉक इन, ये जितने एक दर्जन दिखा दिए हैं इसने कोड, इनमें से कोई एक कोड जो है वो इनके मोबाइल में लगा हुआ है। अब ये खोल करके पहले ट्राई करें, हो सकता है वो इसी से खुल जाए, और हो सकता है फिर इन्हें फ्लैश करना पड़ जाए। सिम लॉक रीड नहीं होता सर क्या? फोन लॉक रीड होता है, लेकिन ये जो स्क्रीन लॉक है, स्क्रीन लॉक में भी कोई एक एक जो होता है कोड वो सिम का भी होता है। तो अब ये सिम लगा करके पहले वो लॉक कोड मांगेगा मोबाइल, तो ये बारी बारी ये सारे ये जितने भी 10-12 कॉम्बिनेशन दिए हुए डाल के देखें, अगर इससे नहीं होता तो इनको फ्लैश फाइल डाउनलोड करके मोबाइल फ्लैश करना पड़ेगा। कितने ट्राई कर लिए उत्तम? अब सर एक बचा हुआ है। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ना। अब ब्राउजर ओपन कर लो और लिखो B110E flash file। अब हम लोग फ्लैशिंग करेंगे। जी सर। सैमसंग B110E flash file लिख के सर्च कीजिए। सर ये B110 है सर। हाँ तो B110 ही तो चाहिए तुमको। B110 E चाहिए सर। अरे वो B110 वो E एक ही है सर। तो इसका मतलब ये जो हम अभी फ्लैश किए थे सर, अभी थोड़ी देर पहले एक फाइल फ्लैश किए थे जो वाई यू का सर, ये एक तो आता था 50-10A आता है सर, एक तो 50-10 आता है सर। हाँ 50-10 अलग है, 50-10A अलग है। 50-10 में वोल्टी नहीं आता है, 50-10A में वोल्टी आता है, इसलिए जिन मॉडलों में 50-10 में वोल्टी की दिक्कत होती है उनको 50-10A बनाना पड़ता है। 50-10A की फाइल तो उनको फ्लैश करोगे, IMI सब हो जाएगी, फिर QCN वगैरह सब डाल करके IMI वगैरह सब बनानी पड़ेगी।
अच्छा सर, यस सर, डॉट बी, हाँ मैं आकर के प्रयास करो उसको। मिराकल ओपन करो, नीचे पड़ा है मिराकल मुहारा। गौतम गाना का आवाज कम कर ले भाई। राइट ऊपर फोल्डर गया, नीचे से थर्ड फोल्डर, एक दो तीन, इसके ऊपर ये वाला फोल्डर है, इसको खोलो, खोलो फाइल लो। स्टार्ट पे क्लिक करो, फोन कनेक्ट करो। सर सिम लगाकर कनेक्ट करें? वो कोई दिक्कत नहीं, कुछ लगा वगैरह कोई दिक्कत नहीं। सर आज वो भैया नहीं आए सर, जो आपको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करा रहे सर, वो सब गायब है, वो सब गायब है। जब प्रैक्टिकल होता है तब वो नहीं होते हैं, बाद में पीठ पीछे चिल्लाते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं होते हैं क्लास में। ऐसे लोगों को बड़ा दिक्कत होती है, जब क्लास चल रही होगी तब नहीं मौजूद होंगे, जब क्लास नहीं चल रही होगी तब उनसे बड़ा पढ़ाकू कोई नहीं होता है। सर जब हम भी आपका पास पहली बार सर आपसे मतलब पंकज सर से नहीं आपसे पहली बार क्लास किए थे, तो दिल में क्या फीलिंग हुआ पता है सर, कि आज भर ही सर के साथ क्लास किए हैं, आज का बस हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमको पहले ही दिन में इतना बाकी थे सर, इतना बाकी थे, क्योंकि कुछ नॉलेज ही नहीं था, जो मन वो क्वेश्चन पूछते थे सर, और अब भी पूछने का आदत हो गया था सर, और आप हमेशा बोलते थे कि बीच में नहीं पूछने के लिए, और हम लोग सब बीच में पूछते थे सर, आप हमको बहुत डांटे थे सर, बहुत डांटे थे सर, आपका बात से क्लास ही नहीं करेंगे आपसे सर, पंकजी सर से करेंगे खाली, ऐसा हो गया सर कि आपसे जितना मन उतना क्लास लेने का मन करता है सर, सारा क्लास लेने का मन करता है सर। देखिए एक एक तरीका होता है किसी भी चीज का, जैसे कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो पहले मेरी सुन लो, उसके बाद आपको लगे कि मैं गलत बता रहा हूं तो फिर उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मानने से पहले आप अपनी ही झोंके पड़े हो तो ये तो सही नहीं है ना। यस सर। भाई देखिए हो सकता है आपने पढ़ा हो 4+4+1=5। सर आपने एक हेल्प का एक ओके आया सर, क्या करे? कहां पे आया, हमने देखा ही नहीं। स्किन में सर फोन तो हो गया ना, वो डिस्कनेक्ट कीजिए, फ्लैशिंग तो डन हो गई है सर। ये मोबाइल में बोले सर, मोबाइल का स्क्रीन में लिखा है न्यू सिम कार्ड डिले क्या है। हाँ तो ओके ओके कर दो। ओके सर। यस सर नेटवर्क भी आ गया सर। नेटवर्क आ गया यानी फाइल ओके है, इस फाइल को सेव करके रख लो, ये फाइल अपने पास रख लो, अब आगे से कोई भी B110 मॉडल आए यही फाइल उठा के झोंक देना सीधे। Okay, लॉक के लिए okay, तुम्हारा सिम लॉक देखो फ्लैशिंग करने से दूर हुआ।
अब नेट पे आप देखो, नेट पे इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि नेट पे देखिए 10 लोग आपको सोल्यूशन दे रहे हैं कि ये कोड रीड करके होता है, मिराकल के द्वारा कोड रीड डन हो गया, सिम लॉक डन, फॉर्मेट डन। तो भाई डन तो लिख दिया तुमने, लेकिन हुआ कहां वो? इसीलिए मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल करवाया कि नेट पे दिए हुए हर सोल्यूशन प्योर नहीं होते हैं। आपको हाँ, मैंने ये सोल्यूशन पहले ही बता दिया था कि आपको ये करना है, आपको फ्लैशिंग करनी पड़ेगी। यस सर। ऐसा ऐसा इसलिए बताया क्योंकि बाकी के सोल्यूशन मैं भी ट्राई कर चुका हूं। अब उन लोगों ने जो तरीके लिखे, अब हम वहां पे चाहे तो ये लिख दे कि काहे फर्जी का सोल्यूशन डाल लो जब काम नहीं होता है। तो ठीक है, काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगले ने वीडियो अपलोड किया, डाला, इंफॉर्मेशन दी, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर हम किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको निग्लेक्ट भी ना करें। यस सर। तो ये चीज होती है कि जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि आपने कहीं पढ़ा हुआ है कि 4+1=5, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन अगर मैं 3+2=5 पढ़ा रहा हूं तो मैं गलत कैसे हूं? हाँ सर, ये बात भी ठीक बोले सर। अब लेकिन आप कमर कस के बैठे हो, नहीं 4+1=5 होता है, 3+2=5 कैसे हम मान ले? तो ये गलत चीज है। ये हैबिट जिसके अंदर होगी वो कभी जीवन में कुछ सीख नहीं सकता है। देखिए, आपको सिखाने वाले 50 लोग मिलेंगे जीवन में, आप सीखिए सबसे, मानिए अपने मन की। आपको किसी मोबाइल को बनाने का 10 लोगों ने तरीका बताया कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अब आप अपना दिमाग लगाओ यार, एक ने कहा सीधे फ्लैटिंग कर लो, एक ने कहा फॉर्मेटिंग कर लो। अगर हम फ्लैटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग करने वाले की बात रह जाएगी, लेकिन अगर हम फॉर्मेटिंग करके देख ले पहले, तो फॉर्मेटिंग करने से डेड होने का रिस्क कम है, फ्लैशिंग करने से डेड होने का रिस्क ज्यादा है। तो आप पहले किसकी बात मानोगे? पहले उसकी बात मानोगे जिसने आपको फॉर्मेटिंग करने की सलाह दी है। yes, क्योंकि फॉर्मेटिंग करने में आपका सिर्फ 5-7 मिनट बर्बाद होगा, लेकिन फायदा भले ना हो, नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन आपने अगर फ्लैशिंग वाले की राय मानी तो या तो आपका फोन बन जाएगा और या फिर आपका फोन बिगड़ जाएगा।